हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। तो चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। कच्छ की खाड़ी से होकर कुछ पाक कमांडो के गुजरात में घुसने की खबर है। खुफिया एजेंसियों ने इसकी जानकारी दी है। पानी के अंदर किसी भी हमले से बचने के लिए तटीय गुजरात में सभी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अनुच्छेद 370 को लेकर कांग्रेस में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। यह स्पष्ट हो गया कि जब बुधवार को राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में कांग्रेस नेताओं की मीटिंग हुई, इस दौरान अनुच्छेद 370 का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस सूत्र के अनुसार कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मीटिंग के दौरान कहा कि कांग्रेस के अलग अलग नेताओं द्वारा अनुच्छेद 370 पर अलग अलग राय व्यक्त करने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से फोन करके उन्हें कश्मीर के हालात से अवगत कराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि खान ने मैक्रों से कहा कि भारत द्वारा की गई कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। मैक्रों ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भारत और पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाना चाहिए और किसी भी तीसरे को क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या हिंसा नहीं भड़कानी चाहिए। मैक्रों ने पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और इसके बाद संयुक्त प्रेस बयान में कहा था कि मैं कुछ दिन बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि बातचीत द्विपक्षीय स्तर पर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की है। खेल दिवस के अवसर पर इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। अभियान की शुरुआत करने के बाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे और आज देश उनको नमन कर रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के जरिए हेल्दी इंडिया की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस मूवमेंट का लक्ष्य न्यू इंडिया में हर नागरिक को फिट करना है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा कि आज देश की जरूरत है कि फिट इंडिया को जन आंदोलन बनाया जाए। और साथ ही स्पोर्ट्स में जो युवा खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं उससे उनका हौसला भी बढ़ेगा। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने खेल जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई है, जहां बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी समेत कई बड़े सेलिब्रिटी भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी का मखौल उड़ाया है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्र के जालना में अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी में किसी को लेने से पहले हम उसे मशीन में धो देते हैं। और इसके अलावा मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास गुजरात का निर्मा पाउडर भी है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिलने के बाद सीपीएम नेता सीताराम येचुरी आज श्रीनगर के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि इससे पहले जब वो श्रीनगर गए थे तो उन्हें प्रशासन ने एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें मेडिकल क्षेत्र और किसानों को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपए की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा नूह के पुन्हाना विधानसभा पहुंची। इस दौरान दर्जनों गांव के लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों से विधानसभा चुनाव में वोट देने की अपील की और कहा कि जिस तरीके से सरकार ने पिछले 5 साल पुन्हाना, नूह और आसपास के इलाके में काम किया है, ये कार्य आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। सीएम ने लोगों से वोट देने की अपील की और वहीं से पहले होटल में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीएम का फूल मालाओं और समृद्धि चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में चारों ओर समान विकास हुआ है।
यहां पहुंचने से पहले सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा पलवल पहुंची थी, जहां पर कांग्रेस नेता और दो बार विधायक रहे पूर्व सीपीएस शारदा राठौर ने सीएम की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। और वहीं सीएम ने कहा कि पलवल विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत विकास कार्य किए हैं। बीजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस इनेलो और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में जनता बीजेपी को 75 पार नहीं बल्कि विधानसभा के बाहर का ही रास्ता दिखाएगी। सीएम मनोहर लाल की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसते हुए दिग्विजय ने कहा कि सीएम किस बात को लेकर जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जबकि उनसे हर वर्ग के लोग परेशान। उन्होंने कहा कि जात पात की राजनीति करने वाली पार्टियों को सत्ता से बाहर करने की चुनौती रहेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से यूएन को लिखे खत में सीएम मनोहर लाल के विवादित बयान को शामिल किया गया है। दिग्विजय ने कहा कि आज कांग्रेस की हालत सबसे बुरी है। हुड्डा और तंवर में ठनी पड़ी है। पिछले छह महीनों में कांग्रेस का विरोध कांग्रेस ने ही किया है, जबकि कांग्रेस को बीजेपी का विरोध करना चाहिए था। और उन्होंने इनेलो से जजपा के समझौते पर कहा कि प्रकाश सिंह बादल हमारे आदरणीय हैं, लेकिन इनेलो नेता पहले ही समझौता करने से इनकार कर चुके हैं। इस मामले में क्यों समय खराब किया जाए। हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को एचएलपी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया जाएगा, और वहीं डिंग मोड़ से उनकी सिरसा में धमाकेदार एंट्री होगी। इस दौरान एचएलपी अध्यक्ष गोपाल कांडा चुनाव अभियान का श्री गणेश भी करेंगे। वहीं गोविंद कांडा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल विकास का ढिंढोरा पीटती है, जबकि धरातल पर हालात काफी बिगड़े हुए हैं। वहीं गोविंद कांडा ने कहा कि एचएलपी नशों को लेकर जोरदार अभियान चलाएगी और पार्टी की ओर से नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। गोविंद कांडा ने बताया कि सिरसा में विकास के प्रोजेक्ट मंजूर करवाने का काम भाई गोपाल कांडा ने किया था, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट को सरकार ने पूरा नहीं होने दिया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि शुद्ध पेयजल परियोजना का 20% लाभ ही सिरसा के लोगों को मिला है और बाकी 80% लोग अब भी शुद्ध पेयजल के इंतजार में बैठे हैं। इन दिक्कतों को दूर करवाने के लिए गोपाल कांडा अभियान भी चलाएंगे। सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। इस अभियान की शुरुआत सितंबर के दूसरे सप्ताह में की जाएगी, ये जानकारी सूत्रों ने बुधवार को दी। पेयजल एवं स्वच्छता सचिव परमेश्वर नैयर ने मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बारे में विवरण साझा करते हुए अवगत कराया कि यह अभियान 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में देशभर में एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान आयोजित किया जाएगा और दूसरे चरण में विभिन्न सरकारी एजेंसियां एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की सामग्री को एकत्र करेंगी और अंतिम चरण में एकत्रित वस्तुओं को पुनर्चक्रित किया जाएगा। खबर हिसार से, जा चौधरी बंसीलाल के समय में बनी तलबंडी रूका माइनर में करीब 30 साल बाद पानी पहुंचा है। माइनर में पानी आने से लोगों में खुशी की लहर है और लोगों ने लड्डू बांटकर इस खुशी का इजहार किया है। बता दें कि तलबंडी रूका माइनर रेत के डिब्बों को काटकर बनाई गई है और इस नहर से 4 गांव के लोगों को फायदा होगा। इसके अलावा कई एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए पानी भी मिल सकेगा और इसमें खास बात यह रही कि इस नहर को बनाने में 700 मनरेगा मजदूरों को लगाया गया, जिन्होंने 1.5 महीने में इसका कार्य पूरा कर लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2018 में इस नहर के जीर्णोद्वार की घोषणा की थी। फार्मासिस्ट एसोसिएशन आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। रेवाड़ी और फतेहाबाद में प्रदर्शन कर रहे फार्मासिस्टों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले 3 दिनों से फार्मासिस्ट सामूहिक अवकाश पर थे, जिन्हें अधिकारियों ने बातचीत के लिए भी बुलाया था और जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। फार्मासिस्ट सरकार को चेतावनी देते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल के कारण मरीजों को दवाई लेने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही फार्मासिस्टों को कहना यह है कि यदि ग्रेड पे 4600 तक नहीं बढ़ाया गया और प्रमोशन चैनल लागू नहीं किया।
प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाख कोशिशें करने के बावजूद सरकार की तमाम योजनाएं फेल ही नजर आ रही हैं और यही वजह है कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं स्कूल के अंदर कम और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। और ठीक ऐसे ही मामले सामने आए हैं रेवाड़ी और नरवाना से, जहां स्कूल में पढ़ने वाले छात्र सड़क आंदोलन कर रहे हैं। पहला मामला रेवाड़ी का है, जहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 4 की छात्राएं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठी हैं। छात्राओं का कहना है कि यहां 3 महीने से 2 विषयों के अध्यापक नहीं है और प्राचार्य से इसकी शिकायत करने पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। स्कूल में बदहाली का यही हाल नरवाना में भी है। यहां भी छात्राएं कई दिनों से टीचरों की कमी का मामला उठा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। नाराज छात्राओं ने अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिससे दिल्ली पटियाला सड़क मार्ग पर गाड़ियां रेंगती नजर आई। जाम की सूचना मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया। खबर रतिया से है, जहां खालसा त्रिशताब्दी कॉलेज के छात्रों ने लेक्चरर की कमी के चलते जमकर हंगामा किया। गुस्साए छात्रों ने रतिया फतेहाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। वहीं छात्रों ने कॉलेज मैनेजमेंट पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि कई बार प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को समझाया और जाम को खुलवाया। हरियाणा की प्रतिष्ठित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी इन दिनों विवादों में है। दरअसल एमडीयू के गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर पिछले कई दिनों से ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिसके कारण हॉस्टल की लड़कियां डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इसी मामले को लेकर आज पुलिस ने एमडीयू के पीछे खाली जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। हालांकि पुलिस को ड्रोन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने एमडीयू प्रशासन को भी हिदायत देते हुए कहा कि इस मामले को गंभीरता से ले और सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाएं, ताकि गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं सुरक्षित रह सकें। खबर करनाल से, जहां नगर निगम ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहला प्रोजेक्ट सिटी बस सेवा शुरू किया था। बता दें कि बस सेवा मुख्यमंत्री की ओर से हरी झंडी देकर 6 बसों को शुरू की गई थी और इस प्रोजेक्ट में करीब 1.6 करोड़ रुपए भी लगाए गए थे, लेकिन 1 साल के भीतर इन रुपयों का घाटा हो चुका है। जिसके चलते सिटी बस सेवा बंद होने की कगार पर है और इसी दौरान मेयर रेणुबाला गुप्ता ने बताया कि ये सिटी बस सेवा नो लॉस नो प्रॉफिट पर शुरू की गई थी। साथ ही बताया कि बसों में सवारी कम बैठती है और अब भविष्य में छोटे वाहनों को लोगों की सेवा में लगाया जाएगा। रेवाड़ी के धक्का बस्ती राजीव नगर में सीवर युक्त पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि एक अरसे से कॉलोनी में सीवर युक्त पेयजल की आपूर्ति की जा रही है और पानी इतना गंदा है कि देखकर ही मन खराब हो जाता है, लेकिन लोग इस पानी का इस्तेमाल नहाने और दूसरे कामों में करने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से लोगों की सेहत बिगड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बार समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। फरीदाबाद में तेलंगाना एक्सप्रेस की 2 बोगियों में अचानक आग लग गई और सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।
बताया जा रहा है कि रसोई गैस के लीक होने की वजह से बोगियों में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद है, जहां आए दिन चोरी लूट हत्याओं जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां गुड़गांव रोड पर एक कार शख्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक दिल्ली के रजोखरी इलाके का रहने वाला था, जो कि फरीदाबाद में अपने फॉर्म पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। गोहाना में एक बार फिर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां गांव मोहाना में इसी साल लड़कियों का नया सरकारी कॉलेज खोला गया, लेकिन सरकारी स्कूल के नाम पर जर्जर बिल्डिंग, अधूरा स्टाफ और गंदे टॉयलेट हैं। वही नए कॉलेज का शुभारंभ स्कूल की पुरानी बिल्डिंग में किया गया, जहां हालात इस कदर से खराब है कि जर्जर बिल्डिंग में कमरों के अंदर कुर्सियां टूटी हुई है, यहां तक कि ब्लैक बोर्ड तक की भी कोई सुविधा नहीं। हालांकि कॉलेज के दो नए कमरे भी बनाए गए हैं, लेकिन 60 छात्राओं के हिसाब से दो कमरे बहुत कम है। और इसी दौरान कॉलेज की प्रिंसिपल सुमन दहिया ने बताया कि गांव से आने वाली छात्राओं के लिए इसी साल गर्ल्स कॉलेज की शुरुआत की है। साथ ही कहा कि सरकार की ओर से पूरा प्रयास है कि यहां आने वाली छात्राओं को पूरी सुविधाएं मिल सके। जींद जिले के खसो गांव में आरोही मॉडल स्कूल में टीचर की कमी के चलते छात्र छात्राओं ने स्कूल को ताला जड़ दिया और परिजनों के साथ नेशनल देवी पटियाला हाईवे पर जमकर जाम लगाया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जाम की सूचना मिलते खंड शिक्षा अधिकारी पवन कुमार मौके पर पहुंचे और आश्वासन देकर जाम खुलवा दिया। दरअसल स्कूल में टीचरों की 10 पोस्ट खाली है, जिसे लेकर बच्चों में रोष है। फिलहाल खंड शिक्षा अधिकारी पवन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही टीचरों की कमी पूरी कर दी जाएगी। प्रदेश को आवारा पशुओं से मुक्त कराने के अभियान पर आज टीआई एक्टिविस्ट ने बड़ा खुलासा किया। बता दें कि पिछले 5 सालों में हरियाणा गौ सेवा आयोग का बजट 45 लाख से बढ़कर 30 करोड़ हुआ है, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश आवारा पशुओं के खतरे से मुक्त नहीं हो पाया। गौरतलब है कि अभी तक सिर्फ नूह ही आवारा पशुओं से मुक्त हो पाया है। दरअसल हरियाणा पुलिस के 2 डीएसपी, 18 पुलिस निरीक्षकों सहित कुल 332 पुलिसकर्मी गौ सुरक्षा दस्ते में कार्यरत हैं और प्रदेश में कुल 513 गौशालाएं हैं। पूरे मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट ने बताया कि हरियाणा सरकार का अगर यही उदासीन रवैया रहा तो प्रदेश कभी भी आवारा पशुओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर पंचकुला नगर निगम के राज्य जनसूचना अधिकारी ने आरटीआई में बताया कि पंचकुला आवारा पशुओं से मुक्त नहीं हो सका, क्योंकि कोई भी गौशाला पकड़े गए आवारा पशुओं को लेती नहीं है। नगर परिषद अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपए के टेंडर रद्द किए जाने से खफा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और नगर परिषद के गेट पर ताला लगाकर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों ने नगर परिषद के ईओ और एक्सीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां तक कि नगर परिषद प्रधान दर्शन नागपाल भी प्रदर्शन करे पार्षदों के पक्ष में खड़े हुए और दोनों अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। वहीं पार्षदों का कहना है कि शहर में विकास कार्यों के लिए 9 करोड़ से ज्यादा के टेंडर लगाए गए थे और आज इन टेंडरों को खोला जाना था, मगर नगर परिषद के अधिकारियों ने मौके पर दस्तावेजों की कमी का बहाना बनाकर इन टेंडरों को रद्द कर दिया। पार्षदों ने कहा कि यही टेंडर पहले भी इसी तरह बहानेबाजी कर रद्द किए गए थे और अब इन्हें तीसरी बार रद्द किया जा रहा है। तो फिलहाल सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।